हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी को पता है कि चुकंदर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसको सलाद में खाएं, सब्जी बनाकर खाएं, यह हर तरीके से फायदा पहुँचाता है। इसे काफ़ी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम चुकंदर का हलवा बनाएंगे, जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से खाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की आवश्यकता होगी। 300 ग्राम मैंने चुकंदर लिया है, जिसको मैंने छील करके कद्दूकस कर लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आधी छोटी कटोरी घर की निकली हुई मलाई है, आधा गिलास के करीब दूध है, देसी घी है, आधी छोटी कटोरी चीनी है। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। और आधी छोटी कटोरी मिल्क पाउडर है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, कड़ाही गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसको चारों तरफ फैला देंगे और कसा हुआ चुकंदर डालेंगे। और इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। सात मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध सूख गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और साथ में मलाई भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी घुल गई है, मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ बिना दूध में घोले ही मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ अच्छे से मिक्स करना होगा, नहीं तो इसमें लम्स रह जाएंगे। मिल्क पाउडर को पहले आप आधी कटोरी दूध में अच्छे से घोल के डाल सकते हैं, यह हलवे में आसानी से मिल जाता है। आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप मलाई की क्वांटिटी बढ़ा दें, इससे हलवे के टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हलवा इकट्ठा होने लगा है, इसमें से घी बाहर आने लगा है, यही इसकी पहचान है कि हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। मैंने यहाँ 1/2 छोटा चम्मच घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया था, अब मैं इसे ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। हलवा बनकर रेडी हो गया है। यह दिखने में जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। इसे 7 से 8 दिन तक फ्रिज में रखकर खाया जा सकता है। आप इसे जरूर बनाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।